नागपुर में आई बाढ़ से बने हालातों के बाद आज पुनर्वसन मंत्री नागपुर आए, जिस दौरान एनसीबी के पदाधिकारियों ने मंत्री अनिल पाटिल से मुलाकात की और बाढ़ से पीड़ितों की नुकसान भरपाई से जुड़ा ज्ञापन उन्हें सौंपा। नहीं, जैसे हमारे शहर अध्यक्ष पेठे जी ने कहा कि नागपुर में जो इतने सालों में कभी हुआ नहीं, वो चित्र हमको दुर्देव से देखने मिला। विकास के नाम का बुजारा यहाँ पे दिखा। जो स्मार्ट सिटी और जो बड़े बड़े घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रही थी, उसका कहते हुए असली चेहरा नागपुर वासियों को दिखा और उसका रोष का सामना आने वाले दिनों में इनको करना पड़ेगा, ये मुझे बताना है। उसी के साथ साथ ग्रामीण भाग में भी सोयाबीन रहे, कपासी रहे, संतरा रहे, मौसमी रहे, इसका भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उसके लिए भी जो सरकार है वो हमको सही में मदद दे, नहीं तो यहाँ क्या वहाँ से यहाँ आज दे रहे कल दे रहे, ये सब अभी नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जगह पे आना पड़ेगा, इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा और जनता आपसे जवाब पूछेगी। शहर में जिस प्रकार से 23 तारीख को जो बारिश हुई, उस बारिश से गरीब जनता तो नाग नदी के किनारे में बसी हुई जनता को तो प्रॉब्लम हुआ ही हुआ, लेकिन सिविल लाइन की जो एरिया है उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन 8 दिन होने के बावजूद भी यहाँ महाराष्ट्र शासन ने या कलेक्टर ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, उसके वजह से आदरणीय हमारे मार्गदर्शक अनिल बाबू देशमुख साहब उनके साथ में भी हमने परसों निवेदन दिया था और आज श्री जिला परिषद सदस्य सलील दादा देशमुख साहब और हम सब हमारे पंचायत समिति के उमरकर जी, इनके साथ में हमने निवेदन आदरणीय महाराष्ट्र शासन के मंत्री महोदय पुनर्वसन मंत्री अनिल जी पाटिल, इनको भी निवेदन दिया ताकि वो यहाँ पे नागपुर में जो हुई बारिश जिनका हुआ नुकसान, उनको बहुत जल्द से जल्द उनका भरपाई मिलने के लिए हमने निवेदन दिया है।